नया होगा तो पाते नहीं है। कौन सा नया? ये बार में नहीं हो सकता है। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले रंजन कुमार को रात्रि में 8 बजे करीब अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इस मामले में पूर्व में एक लड्डू साहब को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो मेन शूटर की गिरफ्तारी अभी बाकी थी, लेकिन कल रात्रि को थानाध्यक्ष नाथनगर और DIU की टीम ने सुशील कुमार मंडल जो कि बिशनपुर थाना बिहपुर नवछिया, संजय मंडल जो कि बिहपुर थाना नवछिया, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में यह बात को कबूल किया है कि यह बम जो कि लड्डू साहब का बेटा उसके कहने पे और ये लड्डू साहब इस दोनों के कहने पे इन दोनों ने गोली चलाई और ये दोनों शूटर थे। इन दोनों ने कबूल किया है कि दोनों ने एक गोली चलाई थी। इनके साथ अन्य अपराधी भी थे घटनास्थल पर जिनके लिए छापेमारी किया जा रहा है। और ये विवाद कुल मुख्य रूप से पैसे का विवाद जो कि निरंजन कुमार के द्वारा लगातार लड्डू साहब और उनके बेटे से मांग किया जाता था और इसी से वो इसके ये पूरे जो है प्लान को उन्होंने कॉन्स्पायर किया और उसकी हत्या की गई। इस संबंध में जो घटना में प्रयुक्त बाइक था पल्सर उसको भी बरामद किया गया है और हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है और अन्य भी कौन कौन इसमें अभियुक्त थे उनके बारे में पता चला है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। कहाँ के शूटर थे, इनका कोई हिस्ट्री भी है आपराधिक? हिस्ट्री चूँकि थाना बिहपुर के रहने वाले हैं नवछिया और इसलिए इनका भी हम लोग हिस्ट्री पता कर रहे हैं। ये लोग को लाया गया था इसके लड्डू साहब उनके बेटे के द्वारा कि इसको जो है गोली मारने के लिए। शूटर को हायर के लिए कुछ पैसे भी दिए थे? इसमें लगातार पूछताछ की गई है लेकिन अभी इस बात को कबूल नहीं किया गया, लेकिन स्वाभाविक है कि जब शूटर हायर किया गया तो कुछ ना कुछ उसके एवज में हथियार बरामद करने का प्रयास किया गया कल रात्रि में, लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि समझौता को छुपा कर या फिर फेंकने की बात की गई है। कितने में तय हुआ था सर ये मामला? चूँकि ये इनके द्वारा ये बात कबूल नहीं किया जा रहा है कि कुछ पैसे का बात, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब कोई शूटर हायर किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसको एवज में दिया जा गया। कब केस दर्ज हुआ था सर? 17/4 रात्रि 8 बजे की घटना ये है और इस संबंध में नाथनगर में 193/24 केस दर्ज किया गया था। पूर्व में एक अभियुक्त और आज 2 अभियुक्तों को मान्य न्यायालय में प्रसारित किया जा रहा है।